नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और बहुरुतविष्ट बड़ी खबर आपको बता दें। धारा 370 के हटाने के बाद से लगातार पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है और उस दौरान जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान आतंकियों से एक बड़ा हमला करवा सकता है। इस बीच ये भी जानकारी कि नौशेरा के सेक्टर में, राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग जारी है, जहां पर भारतीय सेना लगातार इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालांकि इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि एक जवान इस बीच यहां पर शहीद हो गया है। मोर्टार यहां पर दागे जा रहे हैं और लगातार सीजफायर का उल्लंघन यहां पर पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर खतरा यहां पर बना हुआ है। आतंकियों से हमला पाकिस्तान करवा सकता है, जिसको लेकर थल सेना, वायु सेना और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो 370 खत्म होने के बाद लगातार पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो एकाएक करके सामने आ रही है और बौखलाहट का एक नतीजा ये भी कि एक हमले की फिराक में पाकिस्तान यहां पर दिख रहा है। तो ये भी जानकारी कि खराब मौसम की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ भी पाकिस्तान करवा सकता है। तो बड़ी खबर लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो सामने आ रही है। लगातार 370 जब से हटी है, धारा 370 जब से कश्मीर से हटाई गई है, तब से ही सीजफायर का उल्लंघन यहां पर पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये कि अब एक बड़े हमले की फिराक में पाकिस्तान है, जो आतंकियों के जरिए किया जा सकता है, और इसी को लेकर थल सेना, वायु सेना, सुरक्षा बलों को तमाम को यहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। और तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 टीवी के साथ।